विदिशा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत, तीन घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, गंभीर घायल को रेफर कर दिया गया। दोनों गुट भील समुदाय के बताए जा रहे हैं। वन विभाग की जमीन को लेकर ये विवाद हुआ था। लेटेरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। विदिशा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, दो गुटों में हुआ जमकर खूनी संघर्ष, एक की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि तीन घायल हैं और एक की हालत गंभीर बनी हुई है, गंभीर घायल को रेफर कर दिया गया। दोनों गुट भील समुदाय के बताए जा रहे हैं। वन विभाग की जमीन को लेकर ये विवाद हुआ था। लिटेरी थाना क्षेत्र के मोहनपुर खुर्द का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विदिशा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि दो गुटों में हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत, तीन घायल बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक की हालत गंभीर बनी हुई है, गंभीर घायल को रेफर कर दिया गया। दिन में करीब 1:30 बजे की बात है, उसको सूचना मिली डायल 100 की थी कि ग्राम मोहनपुरा में जंगल में दो पार्टियां आपस में भिड़ गई हैं, कुल्हाड़ियों से मारपीट की गई है, दोनों पक्षों के लोग घायल हैं। इस पर पुलिस टीम वहाँ पहुँची, 100 नंबर भी पहुँची, वहाँ पर दोनों पक्षों के घायल थे। एक व्यक्ति दशरथ पिता भगवत सिंह ढिल जो है काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसको अस्पताल लाए, शेष घायलों को भी अस्पताल लेके आए, लेकिन भगवत सिंह ढिल की मृत्यु अस्पताल लाने के पूर्व ही हो गई थी, जिस पे 5 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया है। दूसरे पक्ष के भी 4 लोग घायल हैं, उनकी तरफ से भी सूचना अस्पताल के जरिए आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।